देख रहे हैं शंकराचार्य का दिमाग। शंकराचार्य ने इस चीज का बहुत अच्छा से ध्यान रखा था। हम के बार बहुत बढ़िया, एकदम एक नंबर। यहाँ पर इन्होंने देख लिया था कि बौद्ध धर्म जो है वो अब क्या है, लड़खड़ा रहा है। तो बौद्ध धर्म भी देखिएगा जिन जिन चीजों को उजागर करके आगे बढ़ाता, जैसे कर्म कांड हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा थे। बौद्ध धर्म ने कहा कि देखो हमारे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन 6वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में भी कर्म कांड आ गया, मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया, जुआ शराब सारी चीजें घुस गए। यही चीजों को दोबारा दिखाकर सबके सामने लोगों को वापस लाए कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया? अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब इनका मुख्य उद्देश्य एक ही ब्रह्म पर क्या था, केंद्रित था। एक ही ब्रह्म पे क्या था, केंद्रित। क्योंकि इन्होंने देखा कि जैन धर्म इतना तेजी से क्यों निकला, क्योंकि उनका एक ही टारगेट था, महावीर स्वामी। हालांकि 24 तीर्थंकर थे, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दूंगा। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म उसके बाद आया, इतना तेजी से एक्सपेंड कर गया कि उन्होंने एक ही सिद्धांत दिया, कौन सा? महात्मा बुद्ध। क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध वाला, इन्होंने भी देखा कि भाई हम तो बहुत ज्यादा बिखर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। कोई अपना पर्सनल लेके गणपति बप्पा मोरिया कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये सब सही है, लेकिन इन सब का उद्देश्य केवल क्या है, ब्रह्म। क्या है? ब्रह्म। समझ में आ गया कि नहीं? एक ही सत्य का सिद्धांत दिया, ब्रह्म सत्य का सिद्धांत। किसने? शंकराचार्य। आगे ये लोग सब ठीक है यहाँ पर, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, एक ही ब्रह्म। ताकि उनको लग रहा था कि भाई जिस सिद्धांत से ये लोग आगे बढ़े हैं उसी सिद्धांत से बढ़ना ठीक रहेगा। अब इन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म आखिर ऐसा क्या किया, बहुत तेजी से एक्सपेंड कर गया, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के महापरिनिर्माण के बाद भी। तो इन्होंने देखा बौद्ध संगीतियां हुई, कितनी कितनी संगीतियां। इन्होंने भी कहा कि भाई हमको भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए किधर की ओर, संगीति टाइप के। इसलिए इन्होंने 4 अलग अलग स्थानों पर इन्होंने क्या किया, मठ का निर्माण कराया। क्या किया? मठ का निर्माण। चारों दिशाओं में किसका निर्माण कराया? मठ का निर्माण कराया, मठ का। इस साइड पूरब दिशा में उड़ीसा है, पूरब दिशा में उड़ीसा में मठ का निर्माण कराया। दक्षिण भारत में आपका कर्नाटक है, दक्षिण में कौन है, कर्नाटक में भी इन्होंने मठ का निर्माण कराया। पश्चिम भारत में आपका गुजरात है, गुजरात में भी इन्होंने क्या किया, मठ का निर्माण कराया। उत्तर भारत में आपका उत्तराखंड है, उत्तर भारत में उत्तराखंड, यूके लिख देना, उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया, मठ का निर्माण करा। टोटल कितने मठ का निर्माण, यानी पीठ, इसे क्या कहा गया, पीठ। कितने पीठ का निर्माण हुआ थी? उत्तर भारत में उत्तराखंड, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम, पूरा याद रहेगा ना, बताइए। गुजरात में एक जगह है शारदा पीठ, गुजरात में शारदा पीठ। तो जो गुजरात में जिस मठ यानी पीठ की स्थापना किया गया, शारदा पीठ। कौन सा पीठ? शारदा पीठ। कौन सा पीठ? शारदा पीठ। उड़ीसा में गोवर्धन पीठ, उड़ीसा में गोवर्धन पीठ। कौन सा पीठ? गोवर्धन पीठ, उड़ीसा में गोवर्धन, उड़ीसा में। उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ, उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ। कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ। देख रहे हैं शंकराचार्य का दिमाग, समझ में आएगी नहीं आ गया। और सबको कर दिया कि मोक्ष प्राप्ति करना है तो चारों मठ में आपको जाना पड़ेगा। अब वही में आप लोग घूमते रहिए यहाँ पर। शंकराचार्य ने इस चीज का बहुत अच्छा से ध्यान रखा था, आदि गुरु शंकराचार्य ने। और ना तो नियम बना लिया कि उत्तराखंड में कई दिन पहाड़ पे ये वो, मतलब आपको बौद्ध धर्म से क्या करना है, प्रभाव मुक्त करना था इनको। आगे बढ़ जाए ना, देखिए श्रृंगेरी पीठ जो था ना, जब अंग्रेज आए सब तो श्रृंगेरी पीठ काफी पुराना हो चुका था, 1000 साल पुराना। उस समय टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था, तो उस समय श्रृंगेरी पीठ बहुत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। अब आप ही बताइए 1000 साल पुराना कोई भवन या मंदिर या कुछ भी रहेगा तो उसी कंडीशन में तो रहेगा नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग या फिर गड़बड़ी आ ही जाएगी। तो उसने अब स्वयं के पैसे से क्या बनवाया था, श्रृंगेरी पीठ। जिससे ये पता चलता है कि टीपू सुल्तान धार्मिक कट्टर नहीं था, बल्कि सभी धर्मों को लेकर चलने वाला अर्थात धार्मिक सहिष्णु था। क्या था? धार्मिक सहिष्णु। औरंगजेब रहता तो ये औरंगजेब को कोई बहुत बड़का राजा के रूप में याद करता है? ये मीडिया और नेतवा उसको वैल्यू दिए हैं सबने, तो धीरे धीरे तो इतिहासों से खत्म हो जाएगी। नहीं देखे टीविया पे चर्चा कर रहा था सब, औरंगजेब क्या है, ये क्या है। अजब हाल है, जिसको मेहमान के रूप में बैठाया था सब औरंगजेब पे चर्चा करने के लिए, उसमें से कोई इतिहास का जानकार नहीं था।
हम के बार बहुत बढ़िया एकदम एक नंबर यहाँ पर।